हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल लेज़र टेक मनी में आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास आया है सैमसंग का ऑन 8। इसमें क्या समस्या आ रही है आप देख लीजिए। इसको जब ऑन करते हैं तो सॉफ्ट ब्रेक आ रहा है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए सैमसंग का ऑन 8, बैटरी इन कर लेते हैं दोस्तों। आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, वो है FRP हाईजैकर करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ओपन हो गया। अब आपको जो मोबाइल है इसका डाउनलोड मोड में जाना होगा। डाउनलोड मोड में जाने के लिए आपको कौन से की प्रेस करने हैं वो देखिए, वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर बटन एक साथ दबा के रखने दोस्तों। ये 4 सेकंड 5 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपको वॉल्यूम अप पर वाला बटन दबाना है, कंटिन्यू पे करना है, ये डाउनलोड मोड में चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये FRP लॉक भी ऑन है और ये सॉफ्टवेयर ब्रिक हो चुका है। इसको अनब्रिक कैसे करें और सही कैसे करें देखते रहिए। USB केबल को इन कर लेंगे अपन, कंप्यूटर स्क्रीन पे आवाज़ आएगी आपको। फिर आपको पोर्ट में जाना होगा, पोर्ट को या स्कैन कर लीजिए, सैमसंग नाम से जो पोर्ट है ड्राइवर वो शो कर देगा। अब आपको दोस्तों ना इसमें एक सिंपल सी स्टेप है, देखते रहिए। ये सॉफ्ट ब्रिक फिक्सर लिखा है, सॉफ्ट ब्रिक फिक्सर, इस पर क्लिक करना है और सिंपली आपको हाईजैक इट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। ये क्लिक कर लिया, अब आप देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है नोटिस देखिए, फिक्सिंग सॉफ्ट ब्रिक एरर ओके, आगे ग्रीन कलर में ओके लिखा हुआ है, मतलब कि ये सही हो चुका है और मोबाइल भी चालू हो गया। देखिए देखिए दोस्तों, अब जो पावर ऑन हो रहा है तो एरर नहीं आ रहा कुछ भी, डायरेक्ट मोबाइल ऑन हो रहा है पूरा। अब ये स्टोरेज करप्ट बता रहा है, इसको रीसेट करना होगा, रीसेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। ये देखिए गैलेक्सी ऑन 8, ये आपको इरेजिंग आएगा, हार्ड रीसेट मोड पे जा रहा है। थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर सैमसंग मॉडल में अक्सर होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सिंपली सा जो मैंने तरीका आपको बताया है वो आपको यूज़ करना होगा, ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी दोस्तों। अनब्रिक सॉफ्ट ब्रिक प्रॉब्लम फिक्स, ये देखिए। और भी आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। काफ़ी वेट करा रहा है हमारे को ये मोबाइल।
कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो उसमें थोड़ी समय की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा हार्ट रीसेट हो चुका है, तो जब स्टार्ट होता है, बूट लेता है, तो थोड़ा वेट करना ही पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेट लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। आगे देखिए आप दोस्तों, मोबाइल पूरा चालू हो चुका है, कोई समस्या नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।